नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है, महेशकुट पंचायत की मुखिया हैं ममता देवी। ये वो ममता देवी है 2001 से अपने पति को राजनीति में देखकर उनसे प्रेरणा लेते लेते जिला परिषद सदस्य बनने का भी उन्हें अवसर मिला, साथ ही साथ अभी वर्तमान में ये मुखिया है। मुखिया ही नहीं, बतौर और बेबाकी से अपनी बात को रखती है और मुख्य संघ की जिला अध्यक्ष भी हैं खगड़िया की। आइए हम इससे सीधे जुड़ते हैं कि एक महिला होने के नाते कितनी बड़ी चुनौती होती है पंचायत के उन लोगों को मुस्कुराने देने का अवसर देना, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं से रूबरू होना। मैम, सबसे पहले आपको बधाई कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज क्या कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? सबसे पहले मैं आपको और आपके बोलता खगड़िया चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगी कि आज आपने महिला दिवस पे के अवसर पे आपने हमको याद किया। मैडम, एक बार बताइए कि 2001 से जब आपके पतिदेव राजेश सौरसिया जी मुखिया थे, उस टाइम से देखते देखते फिर क्या लगता है, एक डमी टाइप से कि हाँ चलो अब महिला सीट हो गया तो महिला को ही लड़ा दो, या फिर आपके अंदर इच्छा शक्ति थी कि मुझे मुखिया बनना है? जी जी, देखिए 2001 से मैंने राजनीति का जो दौर मैंने देखा उससे मैंने बहुत कुछ सीख हासिल की थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पति 2001 में पंचायत के मुखिया हुआ करते थे और मैंने बच्चों को जो विद्यालय से लेकर के घर की जो दूरियां होती है उस दौर में मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे भी घर से बाहर निकल कर कुछ इनसे भी बेटर करना है। उस वक्त का जो दौर होता था कि महिलाएं हैं तो घर में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, घर के बाहर नहीं जाएंगी, उन्हें इस टाइप से जो भी डिस्टर्बेंस होता था, तो परिवार वालों को कितना आपको भरपूर सहयोग मिला? जी जी जी, तो ऐसा है कि मुझे परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिला था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये काम को ये बखूबी निभाएगी और इसमें अपना बढ़ चढ़ के वर्चस्व हासिल करेगी। मैंने देखा है कि जब मैंने राजनीतिक में जब मैंने अपना कदम आगे बढ़ाई तो मुझे परिवार के सारे लोगों ने भरपूर सपोर्ट और सहयोग। शिक्षा दीक्षा को लेकर के आप कितना मुसतर करना हुआ, कहाँ तक आपने शिक्षा हासिल की? जी, मैंने शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा तो अपने सासाराम से ही मैके से की थी, लेकिन अब आज के डेट में मैंने अपना हायर एजुकेशन पटना विश्वविद्यालय से मैंने पीजी कंप्लीट की है और शिक्षा को मैंने आखिरी दम तक अपना आधार माना है। अच्छा, यानी कि शिक्षा वो बरकरार रहेगा। जी जी जी। मुखिया आप जब बनी 2016 में, इससे पहले आप जिला परिषद सदस्य रही, मुखिया 2016 में जब आप बनी तो उसके बाद क्या क्या कुछ चुनौती, क्या आप एक रबर स्टाम्प वाले मुखिया हैं या फिर खुद से जाकर के लोगों का समाधान करते हैं समस्याओं का? नहीं नहीं नहीं, तो जिस टाइम मेरे मतलब कि प्रारंभिक मेरा राजनीतिक जैसे दौर स्टार्ट हुआ उस टाइम मैंने अपने पैरों के बल पर धीरे धीरे आगे बढ़ करके और मैंने राजनीतिक अपने हिस्सा बनाना कायम की, और मैं अपने आप को ये तो नहीं कहूँगी लेकिन रबर स्टाम्प मुझे खुद ब खुद पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जो अपनी जवाबदेही को अपने खुद से निभाती हूँ उसमें मुझे बेहद आनंद और लगन हमको सच्ची निष्ठा रहती है और मैं अपने काम को भरपूर अपने पूरे जिले के उन मुखियों का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है उनकी सुरक्षा को लेकर के या उनकी जो भी मांगे हैं, तो उसको आप कैसे बेखूबी से निभाती हैं? जी जी, तो मैं मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते उन सभी मुखिया मित्रों का भी जो उनका काम को आगे बढ़ाने का जो मुझे मौका मिलता है तो मैं उन्हें बखूबी उनके काम को भी अपने ढंग से जिले के पदाधिकारियों का सहयोग लेकर के मैं करने का काम करती हूँ और उनका भी मुझे भरपूर साथ और सहयोग मिलता है और मुझे सफलता मिलती है। समाज के उन बच्चों को और उन महिलाओं को क्या कहेंगे जिन्हें जिनके अंदर तमन्ना है कि उन्हें मुखिया बनना है या फिर किसी भी क्षेत्र में बेटियाँ महिलाएँ आज किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं हैं और उन्हें बढ़ाने की दिशा में क्या मैसेज क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित आज हर मायने से हमारे जो मेरी महिला है जो मेरी भावी पीढ़ी की जो बेटियां हैं निश्चित सशक्त और सबल हैं और इसमें कोई राय दो राय नहीं है कि वो निश्चित आगे अपना मुकाम हासिल करेंगी, बट इसमें संघर्ष जो करना है उसको संघर्ष को जारी रखना है और उसमें सफलता मुझे मिलेगा, यही आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ना, यानी आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जी, ये सबसे बड़ा जो है जमा पूंजी और जो है एक चाबी होता है आत्मविश्वास। जी जी जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करी थी मुखिया जी हैं ममता देवी जी, आत्मविश्वास और आत्म इच्छा और आत्मशक्ति के साथ
आप तमाम उन बाधाओं को चीरते हुए अपनी सफलता और अपनी मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं।